हेलो, मैं डॉक्टर संपूर्णा आज आपको बताने जा रही हूँ अस्थमा को दूर करने के लिए दो मुख्य आसन। तो सबसे पहला हमारा आसन है गौमुख आसन। गौमुख आसन करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए इस तरह से, और इसके बाद आप अपने राइट नी को बैंड कर लीजिए और अपने राइट नी को एकदम सेंटर में रखिएगा और अपनी हील को थाई से टच करके, और इसी तरह से आप अपने लेफ्ट नी को भी बैंड कर लीजिए। इस तरह से नी के ऊपर नी रहेगा, राइट नी नीचे है और लेफ्ट नी ऊपर, और दोनों आपकी हील्स हैं वो साइड में हिप से टच रहेंगी, टोज आउटसाइड रहेंगे। इसके बाद आपका जो नी ऊपर है वही वाला हाथ इस तरह से आपको ऊपर लेकर जाना है। एल्बो को बैंड कीजिएगा और अपनी एल्बो को कोशिश कीजिएगा सिर के एकदम मिडल में रखने की, और इसके बाद आप अपने राइट हैंड को पीछे लेकर जाइएगा, बैकबोन को सीधा रखिएगा, चेस्ट को ओपन करके रखिएगा और अपने फिंगर टिप्स को टच करने की कोशिश कीजिएगा। यदि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है तो आप अपने दोनों हाथों को ग्रिप कीजिएगा और इनहेल करके होल्ड कीजिएगा। अगर आप इनहेल करके होल्ड नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप इस तरह से कुछ सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखिएगा। आईज को आप क्लोज भी करके रख सकते हैं, तो जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखिएगा, और इसके बाद धीरे धीरे आपको अपने हाथों की ग्रिप को हटाना है और वन बाय वन अपने हाथों को सामने लेकर आइएगा। और इसी तरह से फिर दोनों साइड दूसरी साइड से भी करेंगे। वापस से पैरों को खोलिएगा और इस बार आप अपने लेफ्ट नी को नीचे लेकर जाइएगा इस तरह से सेंटर में, और उसके ऊपर राइट नी को रखेंगे। तो ये गाय का मुंह है और ये कान, और इसी तरह से राइट नी आपका ऊपर है तो राइट हैंड ही इस तरह से आपको अपने शोल्डर जॉइंट को पूरा ओपन करना है और अपने एल्बो को बैंड कीजिएगा, लेफ्ट हैंड को पीछे से लेकर जाइएगा और ग्रिप करने की कोशिश कीजिएगा। पीछे की तरफ से मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से आपको ग्रिप करना है। चेस्ट ओपन रहेगी, शोल्डर ओपन रहेंगे। कोशिश कीजिएगा आपके ऊपर वाले हाथ की एल्बो सिर के मिडल में रहे, और इस तरह से इनहेल करके सांस को अंदर ही भर के आप जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखिएगा। आपको अपनी हील्स के ऊपर बैठना नहीं है, हिप्स आपके दोनों मैट से टच रहेंगे, और इस तरह से जितनी देर होल्ड कर सकते होल्ड कीजिएगा, और फिर धीरे धीरे वापस से आपको हाथों को वन बाय वन नीचे लेकर आना है। ये बहुत ही अच्छा आसन है गौमुख आसन अस्थमा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। इसके बाद जो दूसरा आसन है वो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए आप अपने दोनों नीज पे खड़े हो जाइएगा और दोनों नीज के बीच में शोल्डर जितना गैप रहेगा, आपके टोज इनसाइड रहेंगे, और इसके बाद इनहेल करते हुए आप अपने लेफ्ट हैंड को रोल करते हुए लेफ्ट हील तक लेकर जाइए और टच कीजिए, और इसी तरह से बैलेंस बनाते हुए आप अपने राइट हैंड को भी रोल करते हुए पीछे लेकर जाइए और अपनी राइट हील को टच कीजिए, और इसके बाद लंबी गहरी सांस भरिए और अपने हिप्स को थाइस को आगे की डायरेक्शन में पुश करके रखिएगा। आईज को ओपन करके रखिएगा जिससे कि बैलेंस ना बिगड़े, नेक की मसल्स पूरा स्ट्रेच रहेंगी। इनहेल करके जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखिएगा। और फिर धीरे धीरे अपने एक एक हाथ को सामने की तरफ लेकर आइएगा और फिर रिलैक्स कीजिएगा कुछ सेकंड्स के लिए। ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लीजिएगा, लंबी गहरी सांस भरिएगा। तो इस तरह से ये दोनों आसन गौमुख आसन और उष्ट्रासन, हाफ कैमल पोज, कैमल पोज बहुत ही बेस्ट है अस्थमा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ब्रीदिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर करने के लिए, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए, आर्टरीज को ओपन करने के लिए, हार्ट की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए। नमस्कार।